मेरे को माइनक्राफ्ट के अंदर बिल्ड्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने बहुत सारे बिल्ड्स को जो है डिजाइन करा है, लेकिन ये काम कभी कभार जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग हो सकता है। एंड ऐसे ही जो है मैं एक दिन एक बिल्ड पे काम कर रहा था, लेकिन मैं जो है इतना ज्यादा बोर हो गया कि मैंने उस प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ दिया। लेकिन मेरे को इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना ही था, तो मैं पहुंच गया fiverr.com पे कुछ प्रोफेशनल माइनक्राफ्ट बिल्डर्स की तलाश में। एंड यहाँ पे आके मैंने सर्च करा माइनक्राफ्ट बिल्डर्स एंड यहाँ पे काफी सारी मेरे को सर्विसेज जो है मिल गई। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को सिलेक्ट करा एंड उसको $35 पे कर दिया एक बहुत ही गजब बिल्ड बनाने के लिए। After few days, उसने वो बिल्ड जो है बना दिया। तो चलो गाइस, तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच टू फाइबर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर 1000 सब्सक्राइबर पे मैं जो है प्लांट करने वाला हूँ 100 वीट मेरे माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड में। इसका मतलब है कि अगर 1,00,000 बंदे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को 10,000 वीट जो है प्लांट करना पड़ेगा भाई साहब। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, 1 मिलियन के बहुत क्लोज है हम। तो गाइस वो मैप आ चुके जिसके लिए मैंने 3,000 रुपए पे करते। तो गाइस लेट्स गो इन एंड देखते हैं भाई कैसा है ये फायर ड्रैगन। ऑलराइट ऑलराइट लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड बहुत ज्यादा। एंड वो हाय कितना गजब है भाई, डैम इसको बनाने में भाई बहुत मजा आएगा। तो गाइस इतने बड़े फायर ड्रैगन को बनाने के लिए हमें जगह भी ढूंढनी पड़ेगी अपने वर्ल्ड में। एंड मैं पता क्या सोच रहा हूं, मैं जो है इस ड्रैगन को बनाने वाला हूं यहां पे, बिकॉज़ यहां पे मैंने बहुत गंदा हग रखा है। एक्चुअली जब भी मेरे को स्टोन चाहिए होता है तो मैं यहां पे आके माइन करने लग जाता हूं। यहां पे बहुत बुरी हालत कर रखी है मैंने इसे, ये कि उधर देखो भाई, उधर से मैंने लीव्स भी ऑब्टेन कर रखे हैं। तो यहां पे अगर एक ब्यूटीफुल बिल्ड बन जाएगी तो ये एरिया भी सुधर जाएगा। एंड ऑल्सो गाइस ये जो ड्रैगन है ये इस तरीके से निकलेगा कि यहां से जो है जमीन से काफी सारे बोन के पिलर्स निकल रहे हैं, उसके बीच में जो है ड्रैगन है। एंड उन बोन के पिलर्स बनाने के लिए एक्चुअली मेरे को 13 शल्कर बॉक्स भर के जो है बोन ब्लॉक चाहिए। एंड भाई साहब मेरे पास एक्चुअली है तो विदर स्केलेटन फार्म जहां से बोन्स मिल सकते हैं, लेकिन वो फास्ट नहीं है। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि मेरे को एक बोन मिल फार्म बना लेना चाहिए। तो यार गाइस अब जैसे सबसे पहले एक बोन मिल फार्म बनाने के लिए थोड़े मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूं। एंड यार मटेरियल कलेक्ट करके आपको बाद में मिलता हूं एंड फिर बताता हूं कि बोन मिल फार्म बनाने कहां पे वाले हम। एंड बहुत ही क्रेजी बोन मिल फार्म है, तो देखते रहना भाई, बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही ज्यादा हाई रेट्स हैं इसके भी। और एंड गाइस तो एक बोन मिल फार्म बनाने के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, जो कि है 1 स्टैक टारगेट ब्लॉक्स। अब ये नहीं पता मेरे को कि 1 स्टैक टारगेट ब्लॉक्स मैं कहां से लेके आऊंगा, बिकॉज मेरे पास कोई वीट फार्म तो नहीं है। एंड जो भी वीट फार्म है वो भाई इतना लाइक क्यों है, ये वीट फार्म जो भी है मेरे पास सिर्फ यही है। तो अभी जाके देखना कि मेरे पास एक्चुअली वीट पड़ा भी है नहीं। नहीं पड़ा। जिन लोगों ने नहीं पता, टारगेट ब्लॉक बनाने के लिए काफी सारे हेबे लगते हैं। देखो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 टारगेट ब्लॉक मैंने बना लिए। तो अभी जो है मेरे को जल्दी से बेसिकली करना क्या होगा, मेरे को जल्दी से जो है इस फार्म को फार्म करना पड़ेगा। जल्दी से इनको हेबेल में कन्वर्ट करता हूँ। 19 हेबेल्स के सिर्फ जो है भाई, ये तो आधे टारगेट ब्लॉक्स भी नहीं बने। ओके तो मेरे को वेट करना पड़ेगा दोबारा से, व्हाट द हेल। एक काम करता हूँ भाई, जिस चीज के लिए फार्म बना रहा हूँ पहले उस चीज को यूज कर लेता हूँ। भाई निकालो भाई इन बोन्स को। ऑलराइट तो अभी बोन मील से जो है मेरे को ये ग्रो करना पड़ेगा, ताकि फिर जो है मैं बोन मील फार्म बनाऊं इन आइटम्स को बाद में यूज करके। भाई क्या जिंदगी है भाई, भाई साहब मेरे को इस वर्ल्ड में जो है भाई कितने दिन हो गए भाई, इस प्रॉब्लम मेरे को 10,000 से ज्यादा दिन हो गए और मेरे पास अभी तक एक वीट फार्म नहीं है ब्रो, व्हाट द हेल। डैम ब्रो, रेडस्टोन रेडस्टोन तो है, थैंक गॉड रेडस्टोन मेरे पास बहुत सारा है। ऑलराइट अभी भी सिर्फ 25 टारगेट ब्लॉक्स बना पाए भाई, एक स्टैक चाहिए भाई मेरे को, व्हाट द हेल यार। ओके गाइस टारगेट ब्लॉक्स हम क्राफ्ट करते रहेंगे, उससे पहले जो मैं आप लोगों से एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, तो वो चीज है रिगार्डिंग दिस ड्रैगन। तो आपको तो ऑलरेडी पता चल गया कि इस वीडियो में जो है हम एक फायर ड्रैगन बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन इस ड्रैगन का क्या, बाय द वे ये ड्रैगन तो यहीं पर रहने वाला है, इसको मैं रिमूव तो नहीं करने वाला, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बिकॉज ये वीडियो जो है फाइवर स्पॉन्सर कर रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि फाइवर से एक और प्रोफेशनल बिल्डर को उठाऊं एंड उसको जो है मैं क्या करूंगा, इस पूरे ड्रैगन का जो है स्कीमेटिक दूंगा एंड उसको कहूंगा कि इसको जो है एक फायर ड्रैगन में कन्वर्ट कर। आई थिंक सो वो बहुत ही कूल आइडिया होने वाला है, एंड फिर जो है वीडियो में आगे देखेंगे कि वो कैसा लगने वाला है। एंड अगर वो मेरे को अच्छा भी लगा तो हम इसको मे बी इस वर्ल्ड में बनाए उड़ने वाले। तो आई थिंक सो मेरे को करना चाहिए। तो ये करने के लिए जो है सबसे पहले मैं चला गया अगेन फाइवर पे, वहां पे जाके मैंने एक बिल्डर को ढूंढा, उस बिल्डर को मैंने इस ड्रैगन का स्कीमेटिक दिया एंड उसको अच्छे से समझा दिया कि उसको क्या क्या करना है, इसको किस तरीके से फायर थीम में कन्वर्ट करना है। एंड लेट्स सी गाइस, इस डिलीवरी भी अच्छे खासे टाइम के बाद होने वाली है। तो अब जो है चलते हैं भाई वापस अपने वर्ल्ड में एंड प्रिपेयर करते हैं दूसरे फायर ड्रैगन को बनाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस ड्रैगन को फायर ड्रैगन में देखने के लिए भाई साहब, लेट्स गो। तो अभी जाके जो अपने टारगेट ब्लॉक्स कलेक्ट करते हैं सारा बोन भी लगाना पड़ेगा यार, जल्दी से करता हूँ। एंड ये गाइस हमारे पास जो हो चुके हैं 62 टारगेट ब्लॉक्स, एक्चुअली मेरे को 61 टारगेट ब्लॉक चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। तो अभी जो बाकी का रेडस्टोन का सामान है गाइस वो रख लेता हूँ मैं अपने शल्कर बॉक्स में जल्दी से। तो अभी मैं दिखा देता हूँ तो फार्म मैं कहां बनाने वाला हूं। तो फार्म जो है मैं यहां पे बनाने वाला हूं। अभी मैंने सोचा क्या, जो मेरा ये एरिया है ना बेस का इस साइड का, इसको पूरा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, यहां से लेके यहां तक सिर्फ फार्म्स ही फार्म्स होंगे एंड काफी सारे यूजफुल फार्म्स भी होने वाले हैं, जैसे यहां पे देखो बैम्बू भी है। एंड एक्चुअली वन मोर थिंग, मैं चाहूं तो इसको जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ एक बोन मिल फार्म में भी,
इफ आई वॉन्ट टू, लेकिन उसके लिए जो है मेरे को अलग से एक मैकेनिज्म जो है बनाना पड़ेगा, बट या वो नहीं बनाना चाहता मैं, इसलिए जो है मैंने ऑनलाइन जो है इल मैंगो का फॉर्म उठाया बोन मिल गए। सो यार गाइस अभी जो है बाकी का सामान यहाँ पे ले आता हूं एंड जो है बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने बोन मिल फॉर्म को, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे बोन मिल वाला फॉर्म हमारा वर्क कर रहा है मस्त भाई साहब। एंड मैं जो यहाँ पे देखो सारे के साथ जो है क्राफ्ट कर लिए, जितने मेरे को जो है 13 शल्कर बॉक्स चाहिए थे फुल एंड और भी बचे हैं बोन ब्लॉक्स, एंड आई थिंक सो आई थिंक हमारे पास नीचे बचा है या नीचे बोन मिल बची है भाई। बहुत ही तगड़ा जो है बोन मिल फॉर्म है, लाइक लिटरली बस एक बार इसमें बोन मिल डालना है उसके बाद ये ऑटोमेटिक बोन मिल बनाएगा, यूज करेगा एंड प्रोड्यूस भी करेगा, अमेजिंग फॉर्म है भाई। तो यार अभी जगह मेरे को सबसे पहले तो अभी मेरे को काफी सारे जो है और मटेरियल्स भी कलेक्ट करने हैं। अभी मेजर मटेरियल के लिए तो हम एडवेंचर करना पड़ेगा, लेकिन जो हमें छोटे मोटे मटेरियल चाहिए जो कि आसपास मिल जाएंगे वो जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। सो यार लेट्स गो। इस बिल्डर ने जो है अपने टाइम से पहले ही डिलीवरी कर दी एंड साथ में मेरे को काफी अच्छे 3D रेंडर्स भी दिए इस ड्रैगन के। तो क्या गाइस अब इस बिल्ड को देखने के लिए तैयार हो भाई? चलो देखते हैं, 3, 2, 1। माय गॉड भाई साहब, लुक एट दिस। भाई साहब इसने तो इसको पूरा जो है रीडिजाइन कर दिया, पहले वाले में तो ये था ही नहीं यार। भाई साहब यहाँ से वो भाई नाक से भी धुआं निकल रहा है यहाँ पे। एक सेकंड क्या यूज कर भाई साहब बंदे नेदराइट ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। ओ माय गॉड भाई सब नेदरराइट ब्लॉक्स यूज करें, इसको क्या मैं हार्डकोर वर्ल्ड में बना सकता हूँ? आई डोंट नो, एंड देखते हैं और चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जो है एक बहुत ही तगड़ा जो है मैगो ब्लॉक्स का डिजाइन जा रहा है, यहाँ पे ग्लेस टेराकोटा रेड। भाई साहब क्या परफेक्टली ब्लॉक्स को जो है कंबाइन किया गया है यार। डैम भाई इसने इवन टेल को भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। अच्छी चीज है येलो टेराकोटा रेड वूल एंड नॉर्मल टेराकोटा को भी रेड एंड ब्लैक टेराकोटा, ओके ब्लैक टेराकोटा एंड देन रेड ग्लेस टेराकोटा, भाई बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन किया गया है। बस माइनस दिस नेदराइट ब्लॉक पार्ट, मैं इसको क्या चाहते हो गाइस, क्या मैं इसको अपने हार्डकोर वर्ल्ड में बनाऊं भाई साहब? बट गाइस एनीवेज ये बिल्ड तो मेरे को बहुत महंगा पड़ा था, लेकिन गाइस अगर आप पैसे बचाना चाहते हो फाइवर पे जाके तो आप जो है मेरा कोड यूज कर सकते हो बल्कि 10 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। तो गाइस वेट क्या करो, जल्दी जाओ फाइवर पे अगर आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो गाइस मेरे को कमेंट करके पक्का बताना कि क्या इसको मैं हार्डकोर वर्ल्ड में बनाऊं अपने। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे जो है मैंने सारे के सारे देखो मटेरियल्स यहां पे कलेक्ट कर लिया है भाई साहब सब। अरे भाई क्या जूते क्यों उतार दिए मैंने, व्हाट द हेल। अभी भी गाइस एक मेन मटेरियल बचता है जो कि है 10,000 मशरूम स्टेम। एंड जैसे तुम्हें पता है कि जो मशरूम्स होते हैं वो जब बड़े भी हो जाते हैं तब वो ज्यादा बड़े भी नहीं होते। अगर मैं उसकी स्टेम को तोड़ूंगा अभी तो मेरे को 4 या 5 ब्लॉक्स ही मिलेंगे। लाइक तुम यहाँ पे खुद देखो, वो रही स्टेम, इसके अंदर हार्डली 10 ब्लॉक्स होंगे एंड ऐसी जो है स्टेम्स बहुत कम है। तो मेरे को जो है एक मशरूम स्टेम फार्म बनाना पड़ेगा। भाई मशरूम स्टेम फार्म कौन बनाता है? लाइक मेरी मजबूरी है बनाना, लेकिन सीरियसली क्या तुमने कभी ऐसा सुना भी है कि मशरूम स्टेम फार्म कोई बना रहा है माइनक्राफ्ट में? भाई सच्ची बताओ, अगर किसी ने बनाया मेरे को कॉमेंट्स में बताना भाई, क्रेजी पीपल ब्रो। ये देखो ये रे मशरूम स्टैम्प, सेल टच नहीं इसमें इसलिए ऑब्टेन नहीं हुई, व्हाट द हेल ब्रो। ओके चलो जल्दी से जाए मशरूम स्टैम्प फार्म भी बना देता हूं यहां पे, पर सबसे वियर्ड फार्म है। तो गाइस यहां पे मैंने बना लिया है मशरूम स्टैम्प फार्म एंड तुम लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले जो है यहां पे डिस्पेंसर में मैंने काफी सारे रेड मशरूम्स डाले हुए हैं एंड सबसे पहले अभी जो है मैं आवाज को कर देता हूं बंद एंड इसको करते हैं। यहां पे सबसे पहले जो है मैंने ओ भाई साहब ग्रो कर दिया इसे, तो यहां पे मेरे को बेसिकली खड़ा होना है इस तरीके से राइट क्लिक होल्ड करके एंड ये जो है वर्क करता रहेगा। लेकिन यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि पीछे की तरफ जो है ये लीव्स जो है उधर जाते हैं एंड उधर जाके जो है फूट जाते हैं TNT से एंड TNT से फूटने के बाद जो है दोबारा से जो है मेरे पास गाइस रेड मशरूम आ जाता है एंड आगे जाके जो है फिर मैं मशरूम्स को जो है सील टच भी कर सकता हूं। तो बेसिकली इस फार्म को वर्क करने के लिए मेरे को सिर्फ 2-3 मशरूम चाहिए, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली मेरे को मशरूम भी देगा एंड साथ में स्टैम्प भी देगा। भाई साहब क्या कमाल का फार्म है। सो अभी जो है गाइस यहां पे मैं करने वाला हूं काफी देर AFK। सो मैं जो है आराम से करता हूं यहां पे 3-4 घंटे AFK करता हूं एंड फिर जो है सारे के सारे मशरूम स्टैम्प जो कि मेरे को चाहिए अराउंड 10,000 के करीब वो मिल जाएंगे। उसके बाद मिलता हूं, उसके बाद जो है बाय ड्रैगन पर काम स्टार्ट करेंगे, लेट्स गो। तो गाइस मैं जो है सारे के सारे मशरूम स्टैम जो है कलेक्ट कर लिए हैं, ये रहे वो। तो यार हमारे पास जो है आई थिंक सो सारे मटेरियल्स हो चुके हैं। तुम पूछोगे कि एक फायर ड्रैगन के मटेरियल लिस्ट में कुछ भी रेड और येलो अभी तक क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? वो इसलिए क्योंकि अभी जो है मैं एक्चुअली फायर ड्रैगन नहीं बनाने वाला, मैं बनाने वाला हूँ इसका बहुत ही तगड़ा बेस जिसमें बहुत तगड़े यहाँ पे व्हाइट स्पाइक्स होने वाले हैं। हाँ इस बहुत गजब लगने वाला एंड ऑल्सो साथ में जो है मैं इस ग्राउंड को भी रिपेयर कर दूंगा एंड एक्चुअली थोड़ा सा पैटर्न भी इसके अंदर ऐड करूंगा। सो यार भाई सब एक्चुअली भाई ज्यादा ही खराब हो रखा है, तो हालत ज्यादा खराब है। तो यार अभी गाइस लगते हैं काम पे, यहाँ पे बनाते हैं स्पाइक्स एंड ऑल्सो इस ग्राउंड को भी फिक्स कर लेते हैं। यार भाई नेक्स्ट लेवल गजब लगने वाले हैं स्पाइक्स, देखते जाओ भाई मजा आएगा यार। तो मैं एक नया शेडर पैक ट्राई कर रहा था एंड देखो मेरी स्क्रीन पे बूंदे आ रखी है यार एंड ऑल्सो शेडर पैक में मोशन ब्लर भी है ये देखो। एनीवेज ओ भाई साहब ये देखो चमक भी रही है भाई, ये तो रेनबो डैम। ओके एनीवे ये क्या
भाई साहब ये देखो अरे मेरे को डैमेज पड़ रहा है तो स्क्रीन लाल होती है साइड चिल्ड है भाई। ओके तो मैं अभी जो है तुम्हें दिखाता हूँ मैंने वहाँ पे जो है बोन की स्ट्रक्चर बना दिया भाई। ये क्यों हो रहा है मेरे कैरेक्टर को भाई 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 दारू पी ली क्या तूने भाई साहब ये क्या टाइम क्या शेडर पैक है भाई दिख भी नहीं रहा है भाई ये व्हाइट बोन्स यहाँ पे। ओके सो सकता हूँ क्या मैं पहले सो जाता हूँ। ये देखो जब मैं देखो मैं स्नीक करूंगा ऊपर से ब्लैक बॉर्डर्स आ रही है मेल्टिंग में नहीं कर रहा है देखो ब्लैक बॉर्डर्स आ रहे हैं डैम भाई। ओके सो भी सो भी नहीं सकता मैं बता ऑल राइट तो यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है भाई साहब ये शेडर पैक भाई कितना प्यारा है यार सूरज का अरे सूरज देखो कैसा है ओ भाई साहब यहाँ पे तो भाई बर्ड्स भी है या मेरे को तो शेडर पैक बहुत अच्छा लगा माइनस द मोशन ब्लर बहुत ही ज्यादा अजीब मोशन ब्लर ओ भाई साहब एनीवेज तो यहाँ ये देखो भाई कितना सही लग रहा है यार ये भाई इसको बंद कर हृदय बंद करो भाई साहब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बोन्स तो गाइस मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया कि ड्रैगन जो है अपनी रैलम को लेके आ रहा है यहाँ पे बीचों बीच ऊपर ड्रैगन बनाऊंगा एंड यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से बनाया कि बहुत बड़ी बड़ी बोन्स जो है एक दूसरे डायमेंशन से निकल के बाहर आ रही है ओवर वर्ल्ड में। भाई साहब कॉमेंट्स में बताने की बोन्स का तुम्हें आइडिया कैसा लगा लाइक ऑफकोर्स मेरी बिल्ड तो नहीं है बनाई लेकिन ये जो है आइडिया उस बिल्ड में नहीं था ये मैंने खुद सोचा है। एक्चुअली इस बिल्ड में जो है नीचे की तरफ बहुत सारे जो है टेक्सचर था नेदर का लेकिन वो उसकी जगह पे मैंने इस तरीके से बनाया कि बोन्स जो है दूसरे डायमेंशन से निकली है तो कैसा लगा तुम्हें आइडिया पक्का मेरे को बताना कॉमेंट्स। बट या एनीवेज अभी के लिए मेरे को मेन ड्रैगन के लिए मटेरियल कलेक्ट करने हैं जिसमें मेन मटेरियल है मेरे को 24,000 यस 24,000 रेड कंक्रीट चाहिए ओके तो वो तो ठीक है एंड आल्सो मेरे को जो है अराउंड 10,000 रेड स्टेन्ड ग्लास एंड आल्सो अराउंड 5,000 से 6,000 येलो स्टेन्ड ग्लास भी चाहिए। तीन ये मेन मटेरियल अभी मेरे को चाहिए एंड तीनों के लिए एंड तीनों में एक चीज जो है बहुत ज्यादा कॉमन है वो है सैंड। ग्लास के लिए भी सैंड लगता है एंड कॉन्क्रीट के लिए भी सैंड लगती है एंड इन माई लक सैंड की अपने पे कोई कमी है नहीं एक्चुअली डैम सैंड मेरे पास बहुत सारी पड़ी है बट इनको जो है अभी मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा तो अभी जैसे मैंने कहा कि मेरे को 10,000 चाहिए तो एक सेकंड इतनी जो है एक्चुअली सारी को जो है मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ भाई सारी जो है काम आएगी एक सेकंड ये सारी सैंड ही है ना कभी मैं गलत आइटम डाल दूँ स्मेल्ट होने के लिए ओके ओके सारी सैंड ही है तो अभी चलता हूं अपने सबसे वर्ल्ड फास्टेस्ट फर्नेस में एंड यहाँ पे जाके इसको स्मेल्ट करते हैं सारी ग्लास को एंड उसके बाद डाई येलो और ब्लू येलो और रेड डाई तो बहुत आसानी से बोन मिल्स करके मिल जाएगी फ्लावर्स को बोन मिल करके इजिली मिल जाती है वो दैट्स नॉट अ बिग डील बट या अभी जो है मेरे को आना है यहाँ पे इसको डालना है एंड बूम यहाँ पे सबसे पहला गया डैम ओके जो है इसका जो है काम चालू हो गया यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि काफी फास्ट है स्मेल्टर सो यार देखता हूँ कितना टाइम लगने वाला है क्या चल रहा है यहाँ पे डैम ओके ओके सही चल रहा है एंड यार गाइस अभी देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा इसको एंड ये डन होने के बाद जो आपको मैं मिलता हूँ ओके तो यहाँ पे आता हूँ ऑलराइट ओके भाई सब सारा स्मेल्ट हो गया भाई सब सारा का सारा जो है ग्लास यहाँ पे स्मेल्ट हो गया बट मैं शल्कर बॉक्स से चले गए एक्चुअली ये मशीन जो शल्कर बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसमें मैं लेके आता हूँ सामान ओके तो मेरे को खाली शल्कर बॉक्स लेके आने पड़ेंगे एंड एक काम करता हूं गाइस जल्दी से जो है खाली शल्कर बॉक्सेस में सारे ग्लास को भर लेता हूं डाई मेरे पास है ही है तो कन्वर्ट कर लेता हूं एंड सैंड ग्रेवल भी है मेरे पास सारा कुछ ही है बस तो जल्दी से छोटी सी टाइम लैप्स करते हैं खत्म करते हैं हमारी सारी मटेरियल कलेक्शन को लेट्स गो। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पे जो है सारे के सारे मटेरियल जो है मैंने कलेक्ट कर लिए हैं ये देखो रेड कंक्रीट रहा ग्रीन नहीं रेड ग्लास ये रहा येलो एंड सब मैग्मा जो हमने पहले कलेक्ट करा था एक शल्कर बॉक्स में और भी कलेक्ट करके लेके आया हूँ बिकॉज मेरे को लग रहा था कम ना पड़ जाए जस्ट इन केस बाकी सब मटेरियल दोस्तों पूरे थोड़े बहुत बीच में मेरे को रेड वूल वगैरह भी लगेगी वो मैं एक्चुअली जब कर रहा हूँ कम तब ले आऊंगा जाके वो इतनी बड़ी इशू नहीं है थोड़ी मेरे को रेड वूल चाहिए ज्यादा भी नहीं चाहिए एनीवेज भाई साहब सब कुछ रेडी है हमारे पास बस अब जो है मेरे को काम पे लगना है एंड या लगता है गाइस काम पे एंड बनाते हैं हमारे फायर ड्रैगन एंड इसके बाद जो है मैं एक और ड्रैगन तुम्हें दिखाऊंगा जो कि बहुत ही खतरनाक बनाया भाई लोंडे ने तो बस उसका वेट करो तो यार गाइस लेट्स गो। क्या लग रहा है भाई ओ माय गॉड गाइस ये देखो भाई यहाँ पे हमारा फायर ड्रैगन कंप्लीट हो चुका है भाई क्या लग रहा है यार ये देखने में यहाँ पे नीचे से जो है मैंने डायमेंशन बनाया है कि जिसका ड्रैगन का डायमेंशन बाहर निकल के इधर आ रहा है और यहाँ पे भाई से डैम भाई तो गाइस अब जो है मेरे को कमेंट जाके बताओ कि आपको कौन सा ड्रैगन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है एमरल्ड ड्रैगन या ये वाला ड्रैगन एंड इसको रेट करना मत भूलना आउट ऑफ 10 भाई क्या ही बिल्ड है यार एंड ऑल्सो गाइस जैसे जो मैंने लास्ट वीडियो में 1,00,000 TNT को ब्लो अप करना है इधर में उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पे आएगी उसको जाके देखो मिलता हूं सी गुड बाय बॉयज एंड गर्ल्स।